सीताराम दोस्तों, आज हम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे क्या हुआ, कौन सी नीतियाँ आई, क्या उदारीकरण है, क्या वैश्वीकरण है, इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे आपके साथ। चलिए देखते हैं क्या होता है। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? क्यों करेंगी भाई? इसलिए अपने अधिक लाभ के लिए। फोर्ड गाड़ियां आती है लेकिन नहीं है, देखिएगा बाबा क्या करके 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया? चेन्नई में। एक बार चेन्नई में गया था, देखा बहुत सी गाड़ियाँ थी पोर्ट पे। निम्नलिखित में कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? आयात पर कर बढ़ाना, बस ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है दोस्तों, और जितनी बची हुई हैं सब आपके लिए। देशों के बीच तीव्र तालमेल है, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान है, देशों के बीच नौकरी शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना वैश्वीकरण के द्वारा ही लोगों को आपस में जोड़ने का ही परिणाम होता है। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा? उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता होगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा प्रोड्यूसर्स में। देशी व्यापार किनके बीच होता है? दो या दूसरे अधिक देशों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया, क्या यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है? बहुराष्ट्र, नाम ही से समझिए बहुराष्ट्र, बहुत से राष्ट्रों कंपनी इसका सभी में वो, तो भैया अपने देश के नहीं सभी देशों के ना उसको काम पर लगाती है। सीज क्या है? सीज एक विशेष आर्थिक क्षेत्र है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कौन सा भारत का निर्यात नहीं है? निर्यात नहीं है उर्वरक, फर्टिलाइजर। किसको वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि क्षेत्र, उनको तो कभी लाभ हो ही नहीं पा रहा है, बिचौलिए सब खा जाते हैं। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखे वही कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। भूमि भवन मशीन अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? निवेश, निवेश कर दिया। वैश्वीकरण क्या है? विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया जो होती है वही वैश्वीकरण कहलाता है। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण जो आयात पर कर। भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई 1991 में, और भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? स्थित। देशी व्यापार किनके बीच होता है? दो या दो से अधिक देशों के बीच में। किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बता दीजिए। टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, महिंद्रा है, विप्रो है, सब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। अमेरिकी कंपनी फोर्ड्स भारत कब आई? 1995 में आई। किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ होता है? किस क्षेत्र को? बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? अधिक लाभ के लिए। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस से जोड़ने का क्या परिणाम होता है? उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता। राष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं? कई विधियां हैं, संयुक्त उपक्रम विधि है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती हैं, छोटे छोटे उत्पादकों से माल खरीदती हैं और अपने ब्रांड का इस्तेमाल करती हैं दबा के। अरे भैया अमेजन में यही चल रहा है, ठीक है, लेकिन अमेजन राष्ट्रीय कंपनी नहीं है, लेकिन उसके सभी गुड़ सी पका के आ गए हैं। और किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी? राजकोष का जो राजकोष था वो घाटे में हो गया था और उसमें राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती जा रही थी, प्रतिकूल भुगतान में वृद्धि होने लगी थी, हमारे विदेशी भंडार में कमी आने लगी, मुद्रा भंडार में हर कीमत चीज की कीमतों में वृद्धि होने लगी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संतोषजनक ना हुआ
और भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना पड़ा, इसलिए सब चीज़ें आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका समझाइए। परिवहन तकनीकी में कई सुधारों ने, मतलब परिवहन तकनीकी आ गई, मतलब परिवहन सुविधाएँ बढ़ गई, आ गया हवाई जहाज, आ गया सड़कें बनने लगी, सब चीज़ें हो गई, तो दूर दूर स्थानों पर कम लागत पर वस्तुओं को हम भेज पाए, संभव हो पाया। जब सूचना प्रौद्योगिकी आ गई तो हमारे बहुत से देश आपस में जुड़ गए, सूचना प्राप्त हो गया, भैया माल आया, हाँ आ गया, फ़ोन कर लिया, इंटरनेट से मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, हाँ हाँ हो गया, इसलिए। और इंटरनेट से क्या होगा, टेक्नोलॉजी से व्यापार में गति आने लगी, सब मामला बहुत साफ सुथरा और सिक्योर होने लगा, समझे दोस्तों। अब वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा के कुप्रभावों का उल्लेख कर दीजिए, कुप्रभाव क्या क्या पड़ गए। ऐसे प्रतिस्पर्धा के कारण जो थे छोटे से छोटे उद्योगों से बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर के उत्पादों का बुरा प्रभाव पड़ा, फलस्वरूप काफ़ी कहीं बंद भी हो गई, लाल इमली बंद हो गई थी। अब हर चीज़ थोड़ा कंप्यूटर और बड़ी मशीनें करने लगी, तो श्रमिकों की बेरोजगारी में वृद्धि होने लगी। और फिर क्या हो गया, श्रमिकों को अस्थायी तौर पर नियुक्ति मिलने लगे, पहले के बचाए परमानेंट थे, अब टेम्परेरी करने लगे लोग, कर दिया गया उनको। और जब वो मशीन श्रमिक का काम, मजदूर का काम कर ही लेती थी, तो उसके संरक्षण और उसको लाभ नहीं मिल पाता था, हटा देते थे उसको, पहले उसकी वैल्यू थी, उसकी वैल्यू घट गई। और जब इसका से काम हुआ, मशीनें काम करें, तो फैक्ट्री मालिकों ने कहा भैया अभी तुम 8 घंटे काम करते हो, तुम 10 घंटे काम करोगे, ये बात हो गई। अब लोगों को मजबूरन काम करना पड़ गया अधिक, और इसी प्रकार से वो क्या बन गई, हैबिट हो गई, और एक आम बात बोलचाल हो गई, भैया 10 घंटे उस फैक्ट्री में काम करना, तभी रखेगा और तभी पैसे देगा, ये होगा। अब वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के सरकार की भूमिका क्या की थी, वैश्वीकरण जो नीतियाँ आई उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने का जो प्रयास किया गया, ताकि पूंजी, तकनीकी ज्ञान और अनुभव का विश्व के विभिन्न देशों से आदान प्रदान हो सके, तभी तो वैश्वीकरण में हम आ गए। सरकार ने माल के आयात पर से अनेक प्रतिबंध हटा दिए, मतलब बहुत लगाए थे, फिर कहा गया आयातित माल पर कम कर दिए गए, जो कर थे टैक्स जो लगा रखे थे वो कम कर दिए गए भैया खरीदो। और विदेशी निवेशकों को कहा गया भारत में आइए, ये सुविधाएं देंगे, वो टैक्स माफ़ कर देंगे, बड़ा प्रोत्साहित किया गया। और तकनीकी क्षेत्र को हर ढंग से उन्नत करने का प्रयास किया गया। आम जनजीवन में क्या प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का, ये समझ लीजिए। उपभोक्ताओं के सामने हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं अधिक विकल्प आ गए, अच्छा ये वाला नहीं कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो दूसरा फिज पियेंगे, फिज नहीं पियेंगे तो रेड बुल पियेंगे, इस प्रकार से अधिक विकल्प आ गए। कम कीमत पर अधिक गुणवत्ता वाली चीज़ें मिलने लगी, पहले कहा नहीं यार वो कालीन वाली चादर तो 500 की मिलेगी, अब कालीन वाली चादर 250 की मिलने लगी, गुणवत्ता सेम थी, ये होने लगा। और लोग पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा मजे लेने लगे, हर चीज़ उपलब्ध हो रही लोगों को। उद्योगों और सेवाओं में भी नए रोजगार उत्पन्न होंगे, कैसे, अभी खोल दिया आपने पिज्जा हट, स्विगी और ये तो चलते हैं, का खाना ऑर्डर कर दो ऑनलाइन, घर आ जाएगा, तो सेवाएँ हुई और रोजगार कैसे हुए, पिज्जा बॉय आया तो उसको भी तो नौकरी मिली कि नहीं मिली, वो भी नए रोजगार उत्पन्न हुए। और उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए स्थायी कंपनियां सम्मत हुई, लोग छोटे छोटे लोगों ने बनाया स्थायी कंपनियां, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को सामान अपना दिया। आज मैं देखता हूँ बताया कि जो होटल है कानपुर में लैंडमार्क होटल, उसकी जो मिठाई थी वहाँ से आ रही थी एक जगह से, अब पता नहीं उसने कहा, लेकिन कहा देता हो तो यही कहा, तो इस प्रकार से उनकी भी रोजी चलने लगी। छोटी छोटी चीज कंपनियां या रेस्टोरेंट या संस्थान बड़ों को भी सप्लाई करने लगे। अब भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात देश व्यापार विदेश विनिमय पर अवरोध क्यों लगाए थे, क्यों लगाएंगे भाई, आप ये समझ लो, अगर अवरोध लगाने पड़े तो क्यों,
क्योंकि क्या था, विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करना था, कि जो इसलिए लगा रहे मैकेनिकी हो गई थी कि अंग्रेज आए थे, उन्हें हमारे सब चीज़ें चौपट कर दी थी, सब कुछ लूट ले गए थे, इसलिए हम डर गए थे कि ऐसा ना हो कि फिर से ऐसा होने लगे, फिर से गुलाम बन जाए। कि आज नहीं हो सकता है भाई, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कि पल्पी, लेकिन आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे देश को सब उठा के देखिए, और इसकी हो तो देख ले, समझा दिया जाएगा उनको, अब तभी उत्पादों की रक्षा करना। आज MSME में के द्वारा देखिए, मेरे पिछले वीडियो में तो हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लघु मध्यम वर्ग सूक्ष्म लघु उद्योग आज अस्तित्व में आ रहे हैं। और 10 पहले क्या था, हुआ था अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया था, इसी के बाद यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए, और उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक थी, उसमें उन्हें जरूरी भी था। और स्वतंत्रता के बाद भारत 562 टुकड़ों में बटा था, यहाँ परिवहन तथा संचार के साधन अस्त व्यस्त थे। देखिए 562 रियासतों को मिलाया था हमारे महान लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनको हम नमन करते हैं। और फ्रीडम के बाद शुरुआती वर्षों में भारत के वैदेशिक संबंध इतने सुदृढ़ नहीं बन पाए थे कि विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार विकसित हो सके। इसके बारे में बता देता हूँ, भैया अभी आज़ाद हुए थे, कौन विश्वास कर लेगा कि क्या हो जाएगा सब व्यापार चल पाएगा। टाइम लगता है, सभी देशों ने टाइम लिया है, हमने भी लिया, सभी देशों ने भी लिया है जो आज सब डेवलप्ड हैं। आज हम ऐसा आना चाहते हैं, कोरोना टाइम देखिए, चीन से कंपनियाँ निकल के इंडिया में आ रही हैं, आज संबंध हमारे देख लीजिए विदेशों से बहुत अच्छी है। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए देखिए। जब दोस्तों उदारीकरण वैश्वीकरण नीति अपनाई तो हमारा निजी निवेश बढ़ाने का अधिक अवसर मिला था, समझे, मिला निजी निवेश बढ़ाने का, हमारे जो विदेशी विनिमय कोष का भंडार बढ़ा, IT उद्योग का विकास होने लगा, और हमारे सरकारी राजस्व नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, क्या कार्य है, क्या है वास्तव में अपने कार्यों को पूरा करता है। विश्व व्यापार संगठन को WTO बोलते, एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उदार बनाना और मुक्त व्यापार की सुविधा देना, समझे। और ये क्या कार्य करता है, इसने कुछ नियमों को निर्धारित किया और देखता है कि लोग इन नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, और वास्तविकता क्या है, विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है, और दूसरी ओर WTO के नियमों ने विकास देशों को व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इस बात में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि डेवलप्ड कंट्री ने अवरोधों को बरकरार रखा है, आप अपने देश में अपनी कैपेबिलिटी लाइए कि डेवलप्ड कंट्री भी आएंगे भाग के, समझे, खुद को सच्चा मनाए लोग झुकेंगे, कहने का मतलब यही है मेरा। विदेशी व्यापार विदेशी निवेश में अंतर बता दीजिए, विदेशी व्यापार वो होता है जो विदेशों से वस्तु खरीदने और बेचने का जो काल होता है वो विदेशी व्यापार कहलाता है। निवेश क्या होता है विदेशी, जो अधिक लाभ कमाने के लिए क्या होता है, बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने देश में धन से उत्पादन इकाई की स्थापना करती हैं और उसे ही विदेशी निवेश करती हैं। बहुत सी कंपनियां आ गई अपने यहाँ, वो निवेश कर रही हैं, वो विदेशी निवेश कहलाता है। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात की दोनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। विदेशी निवेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया गया पूंजी निवेश आता है। आप विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, अगर आपको बिजली कैसे दे दी जाए भैया, औद्योगिक क्षेत्रों जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाए, हम उनकी स्थापना करेंगे, उन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में हम बिजली पानी सड़क परिवहन भंडार मनोरंजन ऐसी शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध कराएंगे, और कंपनियों को जो स्थापित करेंगी प्रारंभिक 5 वर्षों
तक हम कर में टैक्स में छूट दे देंगे और श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति देंगे। अब भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी व्यापार और विदेशी विनिमय पर अवरोध क्यों लगाए, आपको बता चुके हैं। किन कारणों से भारत में आर्थिक सुधार की आवश्यकता पड़ी? राजकोषीय घाटे में वृद्धि, प्रतिकूल भुगतान संतुलन में वृद्धि, खाड़ी संकट, विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी आई, कीमतों में वृद्धि हुई, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कार्य संतोषजनक ना हो पाया। इसलिए विदेशी व्यापार के क्या लाभ होंगे स्कीम पे आप बता चुके हैं। दोस्तों आज कल टॉपिक है बहुत तो अच्छा टॉपिक है, आइए कुछ चीजें और देख लेते हैं लास्ट में। ये पिछले कुछ वर्षों में बाजार में आए परिवर्तनों पर टिप्पणी कर दीजिए। क्या बहुव्यापी विकल्प आए, उसको वो बढ़ गए, विकल्प बहुत बढ़ गए, ऑप्शन बहुत आ गए, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, गुणवत्ता में सुधार होने लगा चीजों में, और विज्ञापनों का व्यापक प्रसार प्रसार हुआ। WTO क्या है ये आप देख ही चुके हैं, वैश्वीकरण भी देख चुके हैं, फिर आप पॉइंट्स में आते हैं। विश्व में वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि आधुनिक संसाधनों की असमान उपलब्धता रही है, असमान वितरण रहा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर एक अधिकार हुआ कुछ उद्देश्यों का, विज्ञापनों में इन प्रचार द्वारा भ्रम फैलाया गया, और सरकार वैश्वीकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठा सकती है? कानूनों का पालन, श्रमिकों को अधिकार, छोटे उत्पादकों में सुधार के लिए सरकार की मदद से संगठन बनाना। आपके विचार में किन कारकों ने वैश्वीकरण को संभव बनाया? सूचना एवं संचार की प्रगति, परिवहन की तीव्र प्रगति, इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर इत्यादि ने। लास्ट देख लीजिए, भविष्य में वैश्वीकरण जारी रहना चाहिए, आपके विचारों में आज से 20 वर्ष बाद विश्व कैसा होगा? नजदीकियाँ बढ़ेंगी, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, प्रौद्योगिकियों का विकास होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, मूल्यों में कमी होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।